जिले के टनकुप्पा प्रखंड के फतेहपुर थाना क्षेत्र के सोरंगा बिघा में दोपहर के समय मिट्टी की दीवार गिर जाने की वजह से दो बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पांच बच्चियां मिट्टी की दीवार के समक्ष खेल रही थी। खेलने के दौरान ही हादसा हुआ। गांव वालों का कहना है कि श्यामदेव यादव का मिट्टी का घर था जो भरभराकर गिर गया। इस हादसे में श्यामदेव यादव की नातिन भी शिकार हुई है। अन्य तीन घायलों का इलाज फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि एक बच्ची का इलाज कारियादपुर गाँव में ही हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर के समय कड़ी धूप होने की वजह से श्यामदेव पासवान के घर के पास छांव में बच्चियों आपस में खेल रहे थे। इसी बीच श्याम देव यादव के घर की दीवार एक हिस्सा भड़बड़ाकर गिर गया। इससे मिट्टी के नीचे बच्चियों दब गई। मिट्टी के नीचे दबने से दो बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। टेकारी में आते हैं ई किसान भवन में, मेरे अधिकारियों के द्वारा अगर उनको किसी तरह से अपमानित किया जाता हो, योजना का लाभ नहीं दिया जाता हो, तो हमारा ये मोबाइल नंबर है 9431229898। इस पर वो कॉल करके हमको आवेदन जरूर दे दें। आवेदन देंगे, हम उसकी जांच कराएंगे और हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। हमारा अपना तरीका है काम करने का, और यही नहीं, मैं लगातार पूरे बिहार में इस तरह से करता हूँ। कहीं भी मैं जाता हूँ, हम इसकी जाँच करते हैं। जहाँ पर लोग ऑफिस से गायब मिलते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। ऑफिस का टाइम है 10 बजे, 10 बजे लोगों को आना है। कोई बहाना बना करके कि हम गया में हैं, पटना में हैं, उनको यहाँ पे लिख के जाना पड़ेगा ऑफिस में। क्या जो मैं ऑफिस के काम से मैं गया जा रहा हूँ, अब जो है कोऑर्डिनेटर हैं वो फील्ड में जा रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि भाई आप फील्ड में जा रहे हैं। फ़ोटो भेजते हैं, अब मैं देखता हूँ चार किसान को कि फ़ोटो जो आता है, टाइमिंग है मेरे पास, हमारा टाइमिंग है 1:30 बजे का।